हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज डे टू में हम जो करेंगे, ये ग्लव बॉक्स जो है इसको पूरा रिमूव करना सिखाएंगे आपको। तो पहली चीज़ जो आपको करनी रहेगी, देखिए फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि ये पैनल कैसे रिमूव करते हैं। अब जो सेकंड वीडियोस में आपको बताऊँगा ग्लव बॉक्स कैसे रिमूव करते हैं। ग्लव बॉक्स आप रिमूव करेंगे तो उसमें आपको इतनी सारी चीज़ें पता चलेगी गाड़ी में। पहली बात तो आप इंफोटेनमेंट सिस्टम देख पाएंगे पूरा। दूसरा बात, आप एसी फिल्टर साफ कर पाएंगे इसका। तीसरी बात, आप इसमें देख सकते हैं कि हुड से आप अंदर गाड़ी के अंदर कितनी वायरिंग ला सकते हैं। तो पहले आपको पूरा अपना ग्लव बॉक्स जो कि है साफ़ करना पड़ेगा, जितनी भी इसमें चीज़ें पड़ी हैं। मैं अंदर ये सब हटा देता हूँ। हमने इसमें लाइट भी लगा रखी, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये ट्रे भी आप हटा लीजिए। तो हमने जो कि सारा सामान हटा दिया। अब देखिए ग्लव बॉक्स में आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें होती है। पहले तो 1 2 3 4, ये 5 6, एक के अंदर आपका 7, और एक जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक एरा पेच, एक पूरा, एक इन दोनों के बीच में, एरा इसके पीछे और एक उसके पीछे। तो ये सारे पेच आपको हटाने पड़ेंगे। ये सारे तो आपके पॉजिटिव स्क्रू ड्राइवर से हट जाएंगे, बट ये वाला जो पेच है ये आप यहाँ तो प्लास से हटा सकते हैं, और नहीं तो आपके पास कोई भी टीप आना हो 8 नंबर का, आप उससे हटा सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से होता है। तो पहले हम जो कि ये वाला हटा देते हैं। ये जो पेच है हमारा लूज हो गया, हम इसको निकाल लेते हैं। ये हमने पेच निकाल दिया है। सारे पेच आप इतने सेंटर कंसोल में रख दीजिए। अब ये बाकी के पेच हैं, हम इनको भी हटाते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सारे स्क्रू ड्राइवर यहाँ से हटा दिए। इधर भी आप देख सकते हैं, मैंने सारे स्क्रू ड्राइवर निकाल दिए। अंदर का भी मैंने निकाल दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं लाइट बंद हो गई है। और ये मैंने नीचे के भी सारे स्क्रू ड्राइवर निकाल दिए, और ये मैंने कपलर जो है हटा दिया है, जिससे कि मेरी लाइट इसकी बंद हो गई। अब जो आपको काम करना रहेगा वो ये रहेगा कि इसमें देखिए, यहाँ पे ये दो लॉक से टच हुआ हुआ होता है अंदर। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो देख रहे हैं आप ब्लैक ब्लैक, इनसे आपको अनलॉक करना पड़ेगा इसको। तो ये एक देखिए, ये वापस अंदर चला गया। तो ये एक बार में खींचते ही बाहर आ गया। देखिए, हो सकता है आपका थोड़ा टाइट हो, मेरा 2-3 बार खुल चुका है तो लूज़ हो गया है। ये देखिए, ये वाले जो लॉक होते हैं यहाँ पे टच हुए हुए होते हैं, तो इनका थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, ये एज इट इज़ पूरा, ये देखिए, ये मेरा थोड़ा फंस गया, तो मैं इसको एक बार कर लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ आगे कैसे करना है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरा ये हट गया है ग्लव बॉक्स। देखिए, मैंने कोई भी स्क्रैच नहीं आया कहीं भी, आप देख सकते हैं। कोई भी मेरा लॉक वॉक नहीं टूटा है। ये दो लॉक से ये टाइट हुआ हुआ होता है साइड से, तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा प्रेशर लगाना पड़े। ये मेरी लाइट लगी थी, ये भी मुझसे टूट गई है, तो मैं इसको भी वापस ग्लू गन से चिपका दूंगा। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा पूरा सेटअप हो रखा है इसके अंदर। और एक बात हो, जैसे अब जिसमें इस वैसे गर्मी आ रही है, तो एसी के फ़िल्टर साफ़ करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ से इसका ये एसी का फ़िल्टर भी निकाल सकते हैं, ये वाला, ये एक पेच और ये दो पेच, जैसे आप खोलेंगे एसी का फ़िल्टर यहाँ से निकल जाएगा। मैं सेकंड वीडियो में वो भी बताऊँगा आपको। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। जिन जिन लोगों को पूछना था ग्लव बॉक्स ऐसे निकालते हैं, तो ये प्रोसीजर रहता है।